वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार और आपका भाई। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। इस ब्लॉग के अंत में आपको हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बात भी बताएंगे जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। आज के इस ब्लॉग का टॉपिक है हाउ टू चूज ए करियर। हर कोई चाहता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, इसके लिए हमें तीन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली है इंटरेस्ट, दूसरा है इन्फॉर्मेशन और तीसरा पैशन। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट पर बात करेंगे। इंटरेस्ट, जैसे हमारे इंडिया के कैप्टन हैं विराट कोहली, हमारे फेमस एक्टर हैं सलमान खान, अक्षय कुमार और ग्रेट रॉक WWE चैंपियन, इन्होंने भी ने अपने इंटरेस्ट को पहचाना और उसी इंटरेस्ट को अपना करियर बनाया। इस लेवल पे हैं, अगर इन्होंने अपने इंटरेस्ट को नहीं पहचाना होता तो शायद आज ये इस लेवल पे ना होते। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि पहले हमें अपने इंटरेस्ट को पहचाना और इस इंटरेस्ट को हमने अपना करियर बनाना है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जरूरी नहीं वो कुछ बड़ी चीज़ होगी, और आपको सोचना है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी तरीके से आती है, आपको उसको करने में मज़ा आता है। जैसे कहीं को स्कूल में कंपटीशन होता तो उसमें सॉन्ग गाने को अच्छा लगता था, कहीं को डांस करने में अच्छा लगता था, कहीं को क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है, कहीं को फुटबॉल खेलने में अच्छा लगता था, कहीं को चीज़ ऐसे हैं जो उनको करने में मज़ा आता था। तो आप उस इंटरेस्ट को अपना करियर बना सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। जरूरी नहीं वो छोटा है या बड़ा है, ये आपका इंटरेस्ट। अब आपने अपना इंटरेस्ट बना लिया किसी चीज़ में और वो आपने करियर चूज कर लिया, पर उस करियर के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी तैयार करनी होगी, क्योंकि किसी चीज़ के लिए आपको पहले उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। महाभारत तो आप सभी ने देखा ही होगा, उसमें एक शकुनी मामा थे, उनका बहुत एक प्रसिद्ध डायलॉग था, वो भूमि में युद्ध करने से पहले मनुभूमि में युद्ध करना सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। अब तक के जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें पहले उनकी प्लानिंग हुई है, फिर उसके बाद उस काम को शुरू किया गया है। बिना प्लानिंग के कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते, इसलिए आपको भी अपना करियर चूज करने के लिए पहले उस चीज़ का प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन जाननी पड़ेगी। जो उस करियर में इस टाइम है उनकी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, उनकी इन्फॉर्मेशन जाननी पड़ेगी कि वो इस करियर में इतने तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं। और से लास्ट है आपकी फैशन। फैशन किसी चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इन दो भाइयों के बारे में तो जाने होंगे जिन्होंने का सपना था कि इंसान को हवाई मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाए। जब इन्होंने इस प्लान को शुरू किया था जब इसमें वर्क करना शुरू किया तो इनके आसपास के लोगों ने कहा क्या कैसे पागल लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान कभी उठ सकता है। पर नहीं, इन्होंने इन सभी बातों को छोड़ा और अपने प्लान में फोकस किया ना, बल्कि उन लोगों की बात बना के उस काम को छोड़ दिया। तो हमें भी अपने करियर को अपने करियर को अपनाना है, मतलब उसको किसी भी हालत में पूरा करना है, ना कि काम को करने में कुछ कठिनाइयां, उस कठिनाइयों के डर से हम पीछे हट जाएं। हमें ऐसा नहीं, सामना करना है और उससे सक्सेस पाना है। तो होप यू आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को भी प्रेस करें। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो आइए अब हम उस टॉपिक पे चलते हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर लें। सभी के घर में किचन तो हो गई आजकल, हमें स्टैंडिंग किचन है, मतलब वहाँ पे वो खड़े होकर ही रसोई बनाते हैं। पहले बैठ कर बनाते थे खाना, अब खड़े होकर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी चप्पल के साथ ही अपने किचन के अंदर चले जाते हैं, जिससे जो चप्पल के नीचे जो कीटाणु लगे होते हैं वो भी किचन में आ जाते हैं, और जो हमारे लिए हानिकारक है। आजकल तो वैसे कोरोना चला हुआ है तो इसमें तो वो बहुत ही खतरनाक है। तो हमें क्या की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने आजकल सभी नीचे टाइल या मार्बल बिछाते हैं तो वो ठंडे होते हैं, अगर हम उसमें ऐसे बिना चप्पल के जाएंगे तो हमें फीवर हो सकता है। तो जो कोरोना में तो बहुत ही खतरनाक है। तो हमें क्या करना है, एक चप्पल की जोड़ी अलग से ही हमने किचन के लिए रख लेनी है, जिससे हम जब भी किचन के अंदर आए तो उसको पहन के आए, जिससे उसमें ना जम्स होंगे और ना हमारी हेल्थ के लिए वो खतरनाक होगा। तो होप यू आपको ये बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो आप अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।